नमस्कार फूल कुमारी दीदी। नमस्कार बच्चों। दीदी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक रोचक अभ्यास करेंगे। चलो पहले हम लोग कमरे से बाहर निकलकर खुले मैदान में चलते हैं। अरे वाह, आज मैदान में जाएंगे। चलो चलो। अरे धीरे धीरे दौड़ो, नहीं किसी को चोट ना आ जाए। जी दीदी। पहुंच गए हम यहाँ। बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर आकर। अब ऊपर की तरफ देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? दीदी मुझे एक चिड़िया दिख रही है और मुझे बहुत सारे बादल और उनके बीच से निकलते हुए सूरज चाचा। और ये सब चीजें कहाँ पर हैं? कहाँ पर मतलब आसमान में है और कहाँ? सही कहा, इस विशाल नीले आसमान में ही सूरज चांद और तारे होते हैं, पक्षी भी इसमें उड़ते हैं और बारिश करने वाले बादल भी यहीं पर होते हैं। इसी से हमें वर्षा और सूर्य का प्रकाश और गर्मी मिलती है। और रात का चंद्रमा और चांदनी और टिमटिमाते तारों की चमक भी मिलती है। हाँ, जानते हो इस आकाश का कोई छोर नहीं होता। वो तो रहा दीदी, देखो वहाँ दूर आकाश मुझे जमीन से मिलता हुआ नजर आ रहा है। लग तो रहा है, लेकिन असल में वहाँ आकाश धरती से मिल नहीं रहा है। वो कोई आकाश का छोर नहीं है, उसे हम क्षितिज कहते हैं और अंग्रेजी में होराइजन, जहाँ आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ नजर आता है पर मिलता नहीं है, क्योंकि आकाश का तो कोई अंत ही नहीं होता है। कोई अंत नहीं होता? कितना अद्भुत है ना दीदी। हाँ, इसलिए बच्चों हम प्रकृति की इस अनोखी देन का सम्मान करने के लिए इसे आकाश देवता मानते हैं। अच्छा, हम सबको आकाश देवता का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आज के लिए बस इतनी ही सीख काफी है बच्चों। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानियों और प्रसंगों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।